Welcome to the YouTube channel of Education World EW. Let's start the today's current affairs session, that is current affairs session of October 8. World Bank report shifting gears, digitization and services led development. World Bank की report के अनुसार जो report है उसका title है shifting gears, digitization and services led development. So इस report के अनुसार जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसकी जीडीपी ग्रोथ 8.3% 2021-22 में बढ़ने के आसार। आज के दिन अक्टूबर 8 2021 के दिन वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। हर अक्टूबर के द्वितीय शुक्रवार के दिन जो है वो वर्ल्ड एग डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। 1996 से वर्ल्ड एग डे मनाने की शुरुआत की गई थी और इस साल इसकी 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सो 2021 में वर्ल्ड एग डे का थीम रहा है एग्स फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 अक्टूबर 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO पांचवा वार्षिक वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक WIW 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक एक तरह का इनिशिएटिव है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का इन्वेस्टमेंट को लेके, इन्वेस्टर एजुकेशन को लेके, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को लेके अवेयरनेस को रेज करने का। और 2021 में इसका थीम रखा गया है सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रॉड्स एंड स्कैम्स प्रिवेंशन। लिटरेचर नोबेल प्राइज हैज बीन अनाउंस्ड। सो 2021 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो है वो अब्दुल रजाक गुरना जो की जंजीबार में पैदा हुए थे और इंग्लैंड के रहने वाले हैं अब्दुल रजाक गुरना को लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो है वो अवार्ड किया गया है और ये नोबेल प्राइज स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा अब्दुल रजाक गुरना को नवाजा गया। सो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि अब्दुल रजाक गुरना कौन है। तंजानिया नॉवेलिस्ट हैं, जांजीबार में ये पैदा हुए थे और यूके में रह रहे हैं। इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में ये अपनी नॉवेल्स को लिखते हैं और बुकर प्राइज 1994 के लिए भी इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व ऑन 8 अक्टूबर 2021। इंडियन एयरफोर्स डे पूरा दिवस पूरा भारत आज इंडियन एयरफोर्स डे भारतीय वायु सेना दिवस मना रहा है 8 अक्टूबर को। आज इसकी 89वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। हर वर्ष 1932 में पहला वायु सेना दिवस मनाया गया था और आज इसकी 89वीं वर्षगांठ पर इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है जो कि आजादी से पहले जिसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर पीएम केयर्स फंड। प्रधानमंत्री केयर फंड के अधीन प्रेशर विंग एब्जॉर्प्शन 35 पीएसए यूनिट्स जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। गवर्नमेंट आस्क सुप्रीम कोर्ट टू सेट द नॉर्म्स फॉर कोटा इन द प्रमोशंस। So, सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से इस चीज का आग्रह कि प्रमोशंस में कोटा सिस्टम के लिए जो है वो रूल्स बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट अलाउज द गर्ल्स टू टेक एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इन दिसंबर। दिसंबर के माह में जो एडमिशंस ली जाएंगी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा ऐलान, इस बार लड़कियों को मिली एंट्रेंस एग्जाम देने की आजादी। इंडिया नेपाल टू कंडक्ट ज्वाइंट पेट्रोल्स फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसबॉर्डर क्राइम। बॉर्डर्स पर होने वाले क्राइम को लेकर इंडिया और नेपाल जो है वो साथ मिलकर पेट्रोल्स मिशन जो है वो चला रहे हैं। इंडिया ज्वाइंस हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द 30% ऑफ द अर्थ बाय 2030। सो 2030 तक नेचर एंड पीपल हमारा जो नेचर है और जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 30% एरिया अर्थ का प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने हाई एम्बिशन कोलिशन ज्वाइन कर लिया है। और एक बड़ी खबर कि रेलवे के द्वारा कोविड गाइडलाइंस जो है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी भी अगर बिना मास्क पहने कोई सफर करता है तो उसका ₹500 उसका कर लिया जाएगा।
Center releases 40,000 crore to the states and the UTs to meet the GST compensation shortfall. So GST ka compensation 14% jo hai wo sure kiya gaya tha jab GST launch kiya gaya tha to 14% GST sure kiya gaya tha center dwara states aur union territories ko. So usi ke adheen 40,000 crore ka muawza jo hai wo GST compensation shortfall ke naam par center dwara state aur UTs ko diya ja raha hai. Reliance Industries Limited Chairman Mukesh Ambani Forbes ki India ki rich list mein pehle sthan par aa gaye hain aur is samay unki net worth hai $92 billion. World Health Organization ne pehli anti malarial vaccine RTSS ko approve kar diya hai. Pravasi pakshi yani ki migratory birds ki conservation ko leke Central Asian Flyway dwara online meeting ka organization kiya gaya. वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि ऑस्लो नॉर्वे में चल रही है उसमें भारत के अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जो है वो विमेंस कैटेगरी में 57 केजी की कैटेगरी में जीत हासिल की है और सारिता मौर ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 59 केजी विमेन कैटेगरी में जीता है. सो ये थे आज के करंट अफेयर्स. बने रहो एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल EW के साथ. शुक्रिया.